वो कहाँ कहाँ फेल हुए, उसमें चीन का जिक्र होता है, कश्मीर का जिक्र होता है, और ये जिक्र होता है कि उनके कपड़े पैरिस घूमने जाया करते थे, तो बिल्कुल झूठ बात है। ये भी जिक्र होता है कि वो बड़े विलासी थे। चेक 1 2 3 4 चेक। तो अभी जो आप जन गण मन की बात करते हैं, उसमें कंटेंट सिलेक्शन कैसे होती है? जो कंटेंट सिलेक्शन ऐसे होती है कि मेरे जो कलीग हैं यहाँ पर अखिल, अखिल और मेरी बात होती है दिन में करीब 1 बजे के, आज किस पे करें, 2 कदम आगे 3 कदम पीछे, 2 कदम आगे 3 कदम पीछे। नमस्कार, एक पुरानी कहावत है, 2 कदम आगे 3 कदम पीछे, 2 कदम आगे 3 कदम पीछे। और जो पुरानी स्कीम थी यूपीए की, उन पर कदम ताल, कदम ताल चल रही है, जहाँ पर है वहीं पर। डीमोनेटाइजेशन बहुत जोर जोर से इसका हल्ला हुआ था, और सिर्फ 50 दिन मांगे थे रोते रोते प्रधान सेवक ने, अब जाकर स्पष्ट हो रहा है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फिगर्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि जितना कैश डीमोनेटाइजेशन से, नोटबंदी से पहले सर्कुलेशन में था, लगभग उतना ही वापस आ चुका है। पॉइंट 6, 12,000 करोड़ था कैश जो सर्कुलेशन में था, और उसके अलावा अप्रैल में ये 13.5 लाख करोड़ हो गया। फिर मई में अलग से चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस, वो कीमत ना उनको भरनी पड़े, और कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं, एक वजह ये भी है कि सीधा साधा कैश लो, सामान दो, पर्ची भी मत काटो, और जीएसटी से बच जाओ, टैक्स इवेट करो, ये भी कारण है। उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ करता था, जो गवर्नमेंट थी वो भी प्रोपोगंडा फैलाती थी, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती थी। हाँ, मुझे याद है, नारे उस वक्त होते थे, बसों पर लगे होते थे, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो अच्छे दिन आने वाला, जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ। तो इमरजेंसी के दौरान ये नारा होता था, बसों पे लिखा होता था, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा।